गुड मॉर्निंग गाइस, चलते हैं ऑफिस, फिर करेंगे बात। उस दिन रास्ते में आप लोगों से बात नहीं हो पाई थी, तो अभी हम ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और आप लोगों से बात नहीं हो पाती है, तो आज मैंने सोचा कि कार में बैठ के करते हैं। मौसम आज बहुत बढ़िया है। कल रात में मेरे एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझसे कह रहा था कि चैनल का कैटेगरी को चेंज कर दो। मैंने कहा कि कैटेगरी चेंज कर दें, चलो देखेंगे, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए। और अभी क्या है कि 3 साल से काम जब नहीं किया मैंने, और आप लोगों के साथ मैं लगातार देखता हूँ कि व्यूज़ नहीं आते मेरे, तो थोड़ा सा लगता है मेरे को कि ऐसा क्या हो गया है। क्योंकि मैंने जो रिसर्च की है, मैंने जो जाना है, क्योंकि मैंने कोई गोप्रो से चैनल ही बनाया था, मैंने फ़ोन से ही बनाया था जो मैं यूज़ करता था। तो आपके चैनल पे जो ट्रैफिक होता है ना परमानेंटली, अगर आप उसको कंटिन्यूस पर डे वीडियो देते हो, तो YouTube का जो एल्गोरिदम है वो आपको उस ट्रैफिक में ले जाता है कि आपको ऑटोमेटिकली व्यूज़ आने लगते हैं। ठीक है, जब आप उस ट्रैफिक से हट जाते हो, तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक एक्सप्रेस वे होता है और एक सिटी के रोड होते हैं या नेशनल हाईवे होते हैं, तो जिस रोड पर आप चल रहे हो, जिस स्पीड से चल रहे हो, यूट्यूब भी का एल्गोरिदम बस एक्चुअल में ऐसे ही काम करता है। ठीक है, आपने रूट चेंज किया, बस आप ये समझ लो कि आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। और अभी आ गई है क्रॉसिंग, और जो कि हमेशा बंद रहती है, क्या कर सकते हो। तो हमारा इंडिया का ट्रैफिक है, रोज़ यहाँ फंस जाते हैं हम लोग। तो ये अभी कैमरा मैंने एक नई जगह लगाया है, अपनी एक छोटी सी वाली अल्टो में। तो पहले जहाँ मैं फ़ोन लगाता था वहाँ लगाने की कोशिश की, लेकिन आज लगा नहीं, पता नहीं क्या बात है। और रात में नींद वींद का थोड़ा सा इशू तो रहता ही है। तो अभी क्या है भाई कि फ़ोन पे भी काम हो रहा है, लैपटॉप पे भी काम हो रहा है, और गोप्रो से भी काम कर रहे हैं। वीडियोस, रिव्यू वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ वीडियोस आ रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक अच्छे अच्छे वीडियो देने की कोशिश करूँ, और ऑडियंस हमारी हमसे कनेक्ट रहे। चलो भाई, क्रॉसिंग तो खुल गई है, वीडियो साहब चलो। तो ये है अभी क्या है फ्रेंड की ना, दिन में जब ऑफिस टाइम होता है तो फिर काम हो नहीं पाता है। और अभी जहाँ मैं हूँ उस जगह क्या है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। अब प्राइवेट जॉब के तो आप लोग पंगे जानते ही हो। कल रात में एक भाई है, उसका मैं वीडियो देख रहा था, तो उसने तो अपना यूट्यूब की वजह से जॉब ही छोड़ दी। तो YouTube आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, अगर आप उस लेवल पे चले जाते हो कि सैलरी से डबल या ट्रिपल या 4 टाइम अगर उतना आगे चले जाते हो, तो फिर आप जॉब छोड़ सकते हो। और मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, एक साइड इनकम होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम से। फ्यूचर सुरक्षित होना चाहिए आपका। और अभी जैसे कि जिन लोगों के मैं वीडियो बनाता हूँ ट्रक्स के ऊपर, ट्रक्स ड्राइवरों की के बारे में मैं
ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जैसे कई मैन्युफैक्चरर अभी लेके आए थे छोटा छोटा सा फंड SIP के लिए, तो ट्रक्स ड्राइवरों को ये भी करना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा है ना कि जो सेविंग आप आज करोगे वही कल आपको काम आएगी। जय हनुमान जी की, बेल्ट तो लगा लो यार, अब तो आने वाला है GT रोड। तो ये भैया अब हनुमान जी का मंदिर निकल गया, तो हमारे राम झूला लक्ष्मण झूला आने वाले हैं गोवा गार्डन के। ये देखिएगा, ये ए, 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 ए आप समझ सकते हो कि रोड कैसे कर रही है, और ये बारिश में अक्सर ऐसे ही हो जाता है। कल रात में हनी पाजी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, इसलिए थोड़ा और लेट हो गया, और पाजी तो ग्रेट ही हैं। तो मैं ये कह रहा था भाई कि सुबह टाइम एकदम भसड़ फैल जाती है प्राइवेट जॉब वालों के, सुबह उठो निकलो, निकलने के बाद बैठ छोड़ो, फटाफट फ्रेश हो, चाय पियो, तैयार हो। भाई साहब एकदम गुलाम बना दिया वो गवर्नमेंट वालों का भी यही है, लेकिन बस थोड़ा सा उसमें प्रेशर कम, इसमें प्रेशर ज़्यादा। तो हट जा भाई। तो ये है, और ट्रैफिक नियम के फॉलो करते हुए हम आगे चल रहे हैं, और हमारे ऑफिस का टाइम है 10:10 पहुंचने का, और अभी बज गए हैं 10:02, क्योंकि भाई ऐसा है ना, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन मैं टाइमली पहुंच सकता हूं। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं निकलता हूं उतने टाइम के में जितने टाइम में पहुंचना चाहिए, लेकिन ये कानपुर का रोड और ट्रैफिक ऐसा है कि पर डे मुझे लेट कराता है। तो क्या करें, कोई बात नहीं। अगर वॉइस ज़रूर क्लियर आ रही हो भाई, तो फ्रेंड कोई भी कमेंट ज़रूर कर देना। बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जो वो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे ऐसे वर्बली बताएंगे लेकिन कमेंट नहीं डालते हैं कि वो आपका वीडियो देख रहे हैं। भाई तुम भी जब वीडियो बनाओगे ना, मैं किसको कह रहा हूँ ये तुम समझ सकते हो, तो मैं भी कभी कमेंट नहीं डालूँगा, ठीक है। और आप लोगों की दुआओं से हम 7,500 सब्सक्राइबर पहुँच चुके हैं, और अब आप ये देखोगे कि वीडियोस लगातार मैं दे रहा हूँ पर डे, क्योंकि ऐसा ना कि अभी ये मैटर नहीं करता कि रिव्यू का वीडियो होना चाहिए, अभी मैटर ये करता है कि कंटिन्यूस वीडियो आना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस आपसे कनेक्ट है ना, तो ऑडियंस को कनेक्ट रखे रहने के लिए आपका पर डे का अपडेट भेजना पड़ेगा। यू आर राइट। और अभी हम आ चुके हैं जाम में, तो यहाँ कोई रेड लाइट नहीं है, लेकिन बस हमारे बत्ती वाले नहीं, ट्रैफिक वाले भैया लोग जो हैं वो उसको ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, और जाम लग जाता है क्योंकि यहाँ कोई ऑटो मोड पे चलता नहीं है। ये तो कानपुर की काबिलियत है, टैलेंट है, इससे कुछ कहना गलत होगा। और अच्छे हैं भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बुरे ही हैं। हाँ, ट्रैफिक समस्या तो बहुत बड़ी है, और एक बात ज़रूर कहूँगा, इस शहर ऐसा है कि बेगानों को भी अपना बना लेता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने, ये मेरा कोई डायलॉग नहीं है, ये बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक सेल्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो लोग कुछ नहीं लेके आए थे वो आज यहाँ बहुत बड़े आदमी हैं, तो स्पेस है काम करने का यहाँ पर। और मैं तो 15 से ज़्यादा टाइम काम कर ही रहा हूँ, और हमारे पिताजी का भी सब फैमिली बैकग्राउंड यहीं से कनेक्ट है, तो उसमें कभी फिर अलग से बात करेंगे। तो अभी लग चुका हुआ तगड़ा वाला जाम, और हम रहे हैं फंस। अब भाई लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, निकलने नहीं दे नहीं रहे हैं। चलो भाई देखो, अब भाई निकल जाने दे यार, ये एक प्रॉब्लम बहुत है यार सिटी के अंदर, समझे।
आप निकल नहीं सकते हैं। और अभी क्या देखते हैं कि वीडियो अपना 10 मिनट का हो गया है, ठीक है, शाम को मिलते हैं भाई।